हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी का C61 फ़ोन। इस फ़ोन का आज मैं गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ। तो काफ़ी कोई ये फ़ोन को बाय कर चुके हैं क्योंकि ये बजट का फ़ोन है। 7,500 के बजट में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो 7,500 के बजट में प्रोसेसर मिल जाता है, यूनिसॉक्स का T612 प्रोसेसर। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेसर में इस फ़ोन का गेमिंग एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, स्टॉप वॉच ऑन कर दूँगा जिससे मुझे टाइम पता चल सकेगा, जिससे ये पता चलेगा कितना टाइम में क्या हीट हो रहा है, बैटरी ड्रेन क्या ड्रॉप हो रहा है और गेमिंग एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो यहाँ देखिए, अभी फ़ोन 100% चार्ज कर लिया हूँ। गेमिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम है आकाश और आप देखिए टेक्नो मास्टर जी। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फ़ोन की ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, स्मूथ का अल्ट्रा मिल जाता है और बैलेंस का भी दोस्तों यहाँ पे आपको अल्ट्रा देखने को मिलेगा। और HD का हाई सेटिंग है, ओके, ये तीन सेटिंग मिल जाता है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो स्मूथ का अल्ट्रा कलरफुल करके ओके कर दिया हूँ। और इस ग्राफिक में 15 मिनट के लिए सबसे पहले TDM गेम प्ले करते हैं। तो गाइस, गेम खेलते हुए 2 से 3 मिनट के अराउंड ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्लैश नोटिफिकेशन आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ़ोन टू हॉट, मतलब फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, प्रोसेसर भी कमज़ोर है जिसके कारण दोस्तों ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। और हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर अभी 35 के आसपास है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस, यहाँ पे आपको हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है इस फ़ोन में। आपके पास भी अगर सेम फ़ोन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आपका फ़ोन हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों, 15 मिनट गेम खेलने के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है इस फ़ोन के साथ, तो वो थोड़ा दोस्तों यहाँ पे लैग करता है और लैग के साथ फ्रेम ड्रॉप भी हो रहा है। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 92% चार्ज अभी है फ़ोन में, मतलब 8% बैटरी ड्रेन हो जाता है 15 मिनट गेम प्ले करने के बाद। और हीट की बात करें तो गाइस, हीट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपको चेक कराते हैं, ये देखिए रूम टेम्परेचर जो है वो अभी हमारा 35 है। और फोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पे देखिए 47 जा चुका है, 40 के ऊपर जाता है तो दोस्तों ज़्यादा हीट होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 क्रॉस कर चुका है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बैक में इस जगह पर थोड़ा ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर जो हीट है 43 के आसपास देखने को मिल जाता है, 45-46, ओके। लेकिन इसका जो हीट है डिस्प्ले में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए 15 मिनट के लिए ग्राफिक को चेंज करके और गेम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। और ये जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद ब्राइटनेस जो है एकदम डाउन हो जाता है, मतलब फ़ोन को ठंडा करने के लिए इंटरनली वो अपना काम करते रहता है सॉफ्टवेयर, ओके। ग्राफिक को अभी चेंज करके बैलेंस का यहाँ पर अल्ट्रा कर देता हूँ, ओके। और इस ग्राफिक में 15 मिनट के लिए फिर से TDM गेम प्ले करते हैं दूसरा मैप और देखते हैं इस ग्राफिक में क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस, गेम खेलते हुए 15 मिनट और पूरा हो चुका है, टोटल जो टाइम है 30 मिनट हो चुका है। तो 30 मिनट में यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, बैटरी परसेंटेज जो है 87% है, मतलब 13% बैटरी ड्रेन होता है टोटल 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद। और हीट देख सकते हैं रूम टेम्परेचर अभी भी 35 है। और फ़ोन की हीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 48 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हीट हो रहा है और अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया जो कि फ़ोन टू हॉट आता है, वो 3 मिनट अराउंड आया था, उसके बाद अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी गेम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी गाइस आप हल्का-मल्का गेम प्ले कर सकते हैं।
तो अभी दोस्तों HD का हाई ग्राफिक कर देते हैं और इस ग्राफिक में गेम प्ले करते हैं 30 मिनट एशिया के एरेंगल मैप और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो गैस 47 मिनट के अराउंड फ़ोन फिर से नोटिफिकेशन देता है। यहाँ पे देखिए फ़ोन टू हॉट ये फ्लैश होने के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है और ब्राइटनेस ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ये चीज़ दोस्तों थोड़ा आपको इरिटेट कर सकता है। ये देखिए ये रहा नोटिफिकेशन फ़ोन टू हॉट। तो फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है मेरा वाला यूनिट। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फ़ोन गर्म होता है या नहीं होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस बोले तो मोटा मोटी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको लैग और फ्रेम ड्रॉप तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। बाकी आप अगर नॉर्मल गेम प्ले करने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए फिर से वो नोटिफिकेशन आ चुका है और ब्राइटनेस एकदम लो हो चुका है। ये चीज़ दोस्तों आपको डेफिनेटली इरिटेट करेगा, तो ये चीज़ दोस्तों आप देख लीजिएगा। और नॉर्मल गेम प्ले करना चाहते हैं 15-20 मिनट तो आप ले लीजिए ये फ़ोन। और आप अगर चाहते हैं इससे ज़्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो थोड़ा दोस्तों आपको पैसा देके दूसरा मॉडल या फिर दूसरा ब्रांड के तरफ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटा पूरा होने ही वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81% चार्ज है, मतलब 1 घंटा के अराउंड आपका 20% का तरह बैटरी ड्रेन होगा। और हीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 36-37 जा चुका है। मतलब दोस्तों यहाँ पे हीट बहुत है, मतलब दोपहर का टाइम में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई AC वगैरह नहीं चल रहा है। बाकी दोस्तों कुछ इस प्रकार का हीट होता है फ़ोन। और एक चीज़ बताना चाहूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जो एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ आपके साथ वो मैं जो फेस किया हूँ वो शेयर किया हूं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास भी अगर सेम फोन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फोन किस तरीके का क्या कंडीशन दे रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।